हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो टोटल ट्रांजेक्शन हमें गिवन है वो 6 है, जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। चलिए अब बिना देरी के इसका एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट से थोड़ी दूर आप इक्वल का साइन लगा के लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट में जिन जिन एसेट की बात हो रही है इन क्वेश्चन में, जिसमें हमारे क्वेश्चन में कैश और स्टॉक की बात हो रही है, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, और कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। अब करना क्या आपको, आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो पहले ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से 1,20,000 का, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जहां इस ट्रांजेक्शन कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पर जीरो मेंशन कीजिएगा, इसके बाद फिर टोटल कीजिएगा। अब करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। तो गुड्स परचेज किए गए हैं कैश में, अब जब बिजनेस ने गुड परचेज किए हैं कैश में तो उसके पास कैश कम हो जाएगा 10,000 से, और साथ के साथ उसके पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। जहां कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा, इसके बाद टोटल कीजिएगा। तो 1,20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 आएगा, स्टॉक में 10,000 ही आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, और कैपिटल में 1,20,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है रेंट रिसीव 5,000। तो बिजनेस में रेंट रिसीव हुआ है, मतलब कि पैसा आया बिजनेस के पास, तो एक तरीके से कैश इंक्रीज हो गया, एक तरीके से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो ही आएगा। फिर टोटल करना है आपको, 1,10,000 में 5,000 प्लस करेंगे 1,15,000 आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो ही आएगा, और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज से, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में आपको 2,000 रुपीज माइनस करने होंगे। कैश और स्टॉक में इस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, माइनस करने पे कैश में 1,15,000 ही आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 आएगा, और कैपिटल में 1,23,000 आएगा। फिफ्थ एंट्री में हमें बता रखा है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 5,000 to 7,000, मतलब कि 5,000 के गुड्स को 7,000 में बेच दिया गया, वो भी कैश में, तो 7,000 रुपीज कैश बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, साथ के साथ 2,000 रुपए का स्टॉक बिजनेस में कम हो जाएगा, सॉरी 5,000 का स्टॉक बिजनेस में कम हो जाएगा, क्योंकि 5,000 के स्टॉक को बेच दिया गया, और जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है वो आपने कैपिटल में प्लस करना है। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह होगा, इसके बाद टोटल कीजिएगा। तो 1,15,000 प्लस 7,000 करेंगे तो 1,22,000 आएगा, स्टॉक में 5,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 आएगा, कैपिटल में आएगा 1,25,000। अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से 500 रुपीज के, तो देखिए एक तरीके से स्टॉक कम हो गया हमारे पास 500 रुपीज से, दूसरा हमारे पास कैपिटल भी कम होगी 500 रुपीज से। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है, तो कैश में 1,22,000 आएगा, स्टॉक में 4,500 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 रुपीज आएगा, और कैपिटल में 1,24,500 आएगा। अब जब आपके सारी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन आप कर लेंगे, आपको देखना क्या है कि आपका एसेट हमेशा इक्वल होना चाहिए था लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो हमारे केस में जो एसेट का टोटल है वो 1,26,500 है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल का भी टोटल 1,26,500 है। तो हमारा क्वेश्चन सही है। हो सकता है कि आपका एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल टोटल इक्वल ना आ रहा हो, तो आपको देखना होगा कि कहीं किसी ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।